आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुणनखंड ज्ञात करना। इसके पहले गुणनखंड ज्ञात करने के नियम जो है कुछ शुरुआत के, जैसे सर्वनिष्ठ गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है और समूहन विधि से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसका वीडियो पहले से डाल दिया गया है। और यह टॉपिक सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वे स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे वे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान देना एक एक मेरे शब्दों पर विशेष तरह से। क्या है पहला टॉपिक? गुणनखंड ज्ञात करना, द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड करना। अब किस प्रकार करेंगे? जब द्विघाती पद का गुणांक एक तथा अचर पद का चिन्ह धनात्मक हो, इस टाइप वन पहला हम लिए हैं। टाइप वन में है, जब द्विघाती पद का गुणांक एक तथा अचर पद का चिन्ह धनात्मक हो, जैसे क्वेश्चन लिया गया है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 का गुणनखंड करना है। अब देखिए द्विघाती x स्क्वायर है, इसे यही है द्विघाती, जिसमें घात दो हो, जिस चर राशि की घात दो हो वो द्विघाती है। तो इसका गुणांक एक है, अगर कुछ नहीं है कोई अंक नहीं है तो एक माना जाता है, एक छिपा रहता है। तो यहाँ इसका द्विघाती चर राशि का गुणांक कितना है? एक। और अंतिम पद अचर 56 है, तो यह धनात्मक है, अर्थात बिल्कुल यही टाइप पर है। अब इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड हम क्या कैसे करते हैं, इसके बारे में दो तीन नियम है, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। जैसे 56 को दो बराबर दो भागों में बांटना है, 56 को दो भागों में बांटना है, और वह दो भाग या दो गुणनखंड करना है कि उन दोनों अंकों का गुणा करने पर गुणनफल 56 हो, और यह अंतिम में कौन सा चिन्ह लगा है? धन। अगर धन लगा है तो जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए, अर्थात 15 आए। कहने का मतलब है 56 को ऐसे दो भागों में बांटिए, गुणनखंड में बांटिए कि उनका आपस में गुणा कर दें तो 56 प्राप्त हो जाए और दोनों को जोड़ दें तो 15 प्राप्त हो जाए। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड यहां कर लेते हैं। उसी नियम तो यह है कि हमको जैसे आ रहा है तुरंत हम बता सकते हैं आपको कि 8 से 56, 8 और 7 है, 8 7 को जोड़ोगे 15 हो जाएगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि 8 और 7 होगा, कहां से लाए? इसलिए मैं अभाज्य गुणनखंड विषय बता दे रहा हूं। और 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। दोनों शर्त पूरा करना है। पहला शर्त है कि दो अंक को दो भागों में बांटिए कि उनका गुणा करने पर यहाँ अंतिम पद 56 है, 56 आए, और जो अंतिम चिन्ह धन में है इसलिए जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए। अगर अंतिम पद धन है तो जोड़ने पे आना चाहिए, अगर ऋण रहेगा तो घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो धन है, जोड़ने पे आना चाहिए। तो इसका दूसरा नियम से देखिए कैसे आप सीखेंगे इसको। पहले 56 के भाज गुणनखंड करिए, 2 2 4 1, 2 8 16, फिर 2 से 14 2 28, फिर 2 से 7 2 14। अब नहीं करेगा 7 3 7, 1 आया छोड़ दीजिए। अब देखिए एक प्रकार के दो, मतलब दो जो है 3 बार है, तो इनको एक साथ कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक अगला है 7 है 7, अलग कर दीजिए, इनका एक साथ कर लीजिए, इनको अलग कर दीजिए, तो 2 2 4 2 8, 8 गुणे 7। अब इसी में से हेर करके अपना सेट करना पड़ता है, यही है 8 गुणे 7, 8 7 56 भी हो गया, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 भी हो जाएगा। और जोड़ने पर क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतिम पद धन में है, तो धन में रहेगा तो जोड़ने पर बीच वाला पद बराबर होना चाहिए, अगर अंतिम पद ऋण में रहेगा तो घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो अब इसको लिख सकते हैं, अब इसके जगह पर 15 को नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर धन। अब ये जो दोनों पद हेरे हैं आप भूड़े हैं 8 और 7, उनको लिखा जाएगा, मतलब 8x और धन 7x, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बीच अगर धन दोनों है तो आपको कोई कठिनाई है, ऐसे लिख देंगे। और प्लस अचर पद जैसे है ऐसे लिख दीजिए। अब समूह 3 पद पहले था क्वेश्चन में, अब इसको दो भागों में बांट करके इसके स्थान पर 2 पद लिख दिए गए तो 4 पद गया, 4 पद हो गया। अब समूहन भी से 2-2 का समूह बना लीजिए, अब दोनों जो कॉमन हो, इसके पहले चैप्टर पढ़ाया जा चुका है सर्वनिष्ठ और समूहन विधि। अब इन दोनों का समूह बन गया, इन दोनों का। अब इन दोनों में देखिए कौन सा सर्वनिष्ठ है जो दोनों में है, अब इसमें भी इसमें भी, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, और इसमें गिनती 1 है, 1 का सर्वनिष्ठ 1 ही होता है, उसके कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। यहां पर x कॉमन ले लीजिए,
अब कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसी जो कॉमन लिया गया है इससे भाग दीजिए दोनों पद में। अब यक्ष स्क्वायर में यक्ष से भाग देंगे तो यक्ष आएगा केवल, यहाँ यक्ष ले दीजिए। अब धन अगर यहाँ भाग देंगे तो यक्ष से कट जाएगा, आठ बचेगा। अब दूसरे ब्रेकअप में देखिए, धन चिन्ह धन लगाइए, अब दोनों में देखिए इसमें तो यक्ष है लेकिन इसमें यक्ष नहीं है। अब गुणांक गिनती में देखिए, यहां सात है यहां छप्पन है, तो क्या ऐसी कौन सी गिनती सर्वनिष्ठ है जो दोनों को विभाजित कर दे, अर्थात सात अगर लेंगे कॉमन तो सात से भाग देंगे तो सात कट जाएगा, यहां यक्ष बचेगा, अधन सात का पहाड़ा छप्पन में चला जाएगा, सर्वनिष्ठ है पूरा पूरा विभाजित कर देगा, सात दस छप्पन आठ। और इतना करने के बाद जो ब्रेकअप में लिखे गए हैं दोनों बराबर होने चाहिए, चिन्ह चर रास अचर रास सब बराबर होना चाहिए, तो यक्ष प्लस यक्ष प्लस दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप दोनों में कॉमन जो ब्रेकअप में है इनमें से एक कॉमन ले लीजिए, तो यक्ष प्लस एक कॉमन ले लीजिए दोनों में है। अब दूसरे में जो बच रहा है जैसे यक्ष प्लस कट जाएगा तो यक्ष बचेगा, यक्ष लिख दीजिए, और यहां भाग देंगे यक्ष प्लस कट जाए सात बचेगा, सात लिख दीजिए। कहने का मतलब है इसको सरल शब्दों में कहा जाता है कि जो दोनों ब्रेकअप में है उनमें से एक ब्रेकअप को पहले लिख दीजिए और दूसरे ब्रेकअप में जो ब्रेकअप के बाहर लिखे गए हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, ये आपका फैक्टर होगा। इस टाइप का गुणनखंड अगर रहेगा तो आपको गुणनखंड ये आपका होगा। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है टाइप का, दूसरे टाइप का गुणनखंड है। देखिए, जब द्विघाती पद का गुणांक एक तथा अचर पद का चिन्ह ऋणात्मक हो, आपकी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक सवाल लिया गया है कि यक्ष स्क्वायर ऋण सेवन एक्स ऋण तीस के गुणनखंड करना। अब अचर पद को दो भागों में बांटिए, दो खंड करिए कि गुणा करने पर तीस आए, अंतिम चिन्ह कौन है ऋण है, तो घटाने पर बीच वाला पद कितना है सात है, तो घटाने पर सात आना चाहिए। तो अब सरलतम रूप से तो दस तिहाई तीस, दस में तीन गए सात आ जाएगा, लेकिन आप कुछ बच्चे चिन्ह में गलती करते हैं। अगर दो अगर अंतिम पद ऋण है तो अंतिम पद ऋण है तो एक चिन्ह धन में होगा और एक चिन्ह ऋण में होगा। जो दो भागों में बांटोगे आठ और दस और तीन, दस तिहाई तीस, इसका जो करेंगे इसमें एक चर राशि आपका धन में होगा एक ऋण में होगा, क्योंकि धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है, धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है। और अगर दूसरा चिन्ह ऋण ऋण कर देंगे तो धन हो जाएगा ऋण ऋण का, इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान देना। अगर अंतिम में ऋण है तो और बीच वाला ऋण में है और चाहे धन में हो, चाहे ऋण में हो चाहे धन में हो, तो एक पद इसका धन में लिखा जाएगा एक पद इसका ऋण में लिखा जाएगा। अब कौन धन में लिखा जाएगा कौन ऋण में उसका भी नियम है, यहाँ बीच वाला पद अगर जिसमें रहेगा धन में रहेगा तो बड़ी गिनती धन में लिखी जाएगी और अगर ऋण में रहेगा तो बड़ी गिनती ऋण में लिखी जाएगी। तो बड़ी गिनती इसमें दस है, ये दस में ऋण में लिखा जाएगा, अर्थात यक्ष स्क्वायर ऋण दस यक्ष धन तीन यक्ष ऋण तीस। अब इसकी जगह पर लिखा गया दस यक्ष धन तीन यक्ष, अब दो दो पद का समूह बना लीजिए और समूह बन गया। अब दोनों में सर्वनिष्ठ देखिए, सर्वनिष्ठ क्या है इनमें दोनों में, सर्वनिष्ठ क्या है यक्ष है, यक्ष कॉमन ले लीजिए। अब यहां भाग देंगे यक्ष ऋण दस हो जाएगा और प्लस अब यहां पर क्या कॉमन लेंगे थ्री, जो दोनों को विभाजित कर दे, इसमें यक्ष है इसमें यक्ष नहीं है इसलिए यक्ष कॉमन नहीं होगा। गिनती में आते हैं, ऐसी गिनती जो दोनों को पूरा पूरा दोनों पदों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो तीन दोनों को विभाजित कर देगा और तीन से काट कट जाएगा यक्ष आएगा और तीन नहमा तीस, यहां दस हो गया। दोनों ब्रेकअप में लिखेंगे देखिए बिल्कुल सेम है, इसलिए जो दोनों ब्रेकअप में है उनमें से एक ब्रेकअप बाहर कर लीजिए लिख दीजिए यक्ष ऋण दस, और दूसरे ब्रेकअप में जो बाहर है उनको लिख दीजिए यक्ष धन तीन। इसका गुणनखंड किया गया तो यक्ष ऋण टेन और यक्ष प्लस थ्री। एक दूसरा मॉडल क्वेश्चन लेते हैं, टाइप नंबर थ्री है, तृतीय प्रकार का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जब द्वितीय पद का गुणांक एक ना हो, जब द्विघाती पद का गुणांक एक ना हो। अभी तक यहाँ यक्ष स्क्वायर का गुणांक एक रहता था, जब कोई कुछ नहीं रहता था तो एक माना जाता है, लेकिन अब कुछ दिया गया है एक को छोड़कर दुई चार छह आठ कोई गिनती दिया रहेगा, इस तरह का आपको गुणनखंड करना है कैसे करेंगे। तो पहले यक्ष स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ लिखिए छह
गुणे अचर पद कितना है 5, दोनों का गुणा कर लीजिए। कहने का मतलब है द्विघाती चर राशि का गुणांक गुणे अचर पद, दोनों को गुणा कर लीजिए। यहाँ 6 है और 5 है, 6 पंचे 30। अब 30 को दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर 30 आए, जोड़ने पर 17 आए। तो कैसे करेंगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा कर लीजिए, और चाहे 15 दूना 30, 15 दो 17 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर धन 15x धन 2x धन 5। अब 4 पद बन गया, अब समूह बना लीजिए, ये दो पद का एक समूह, ये दो पद का एक समूह। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में x आए, पहले x हो जाएगा। अब क्या ऐसी गिनती है जो दोनों गिनतियों को विभाजित कर दे 6 और 15 दोनों को, तो 6 और 15 का अगर आप मासा निकालेंगे तो 3 आएगा, 6 और 15 का मासा है 3। तो मतलब 3 एक ऐसी गिनती है जो दोनों पद में 15 और 6 दोनों को पूरा विभाजित कर देगा। तो 3 भी कॉमन ले लीजिए, और अक्षर में यक्ष है तो यक्ष बाहर कर लीजिए। कहने का मतलब आप 3 यक्ष से भाग देंगे, तो गिनती में गिनती से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 लिखेंगे, और यहाँ यक्ष खाते 2 है, यहाँ यक्ष है तो 2 बार है तो 1 बार लिखा जाएगा, और यहाँ यक्ष से यक्ष कट जाएगा, 3 बचे 15 लिख दीजिए, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब ऐसी न इसमें यक्ष है तो इसमें यक्ष नहीं है, और यहाँ 2 है तो 2 एक ऐसी गिनती है जो 5 को विभाजित नहीं करेगा। तो कौन सी गिनती ऐसा जोड़ा जाए जो 2 और 5 दोनों को विभाजित कर दे। अगर दोनों अभाज्य है, मतलब ऐसी गिनती कोई नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 1 माना जाता है, 1 है। तो यहाँ इसका गुणांक कितना है, 1 लिख दीजिए। अब 2 या अब एक कॉमन लेने का मतलब है दोनों पद ऐसे उतार दीजिए, 2x प्लस 5 ऐसे लिख दीजिए। अब देख लीजिए दोनों पद सेम है ब्रेकअप में लिखे हुए, दोनों आप दोनों ब्रेकअप में से एक ब्रेकअप को यहां लिख दीजिए। अब यहां पर लिख देंगे 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रेकअप में लिख देंगे 3x प्लस 1, और इसका फैक्टर हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो प्रतिवर्ष आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक का मॉडल पेपर, प्री बोर्ड आज सभी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।